Hey everyone, hello and welcome back to my channel. So today is another vlog और मैं हूँ कोलकाता में. So शायद आपने मेरा short देखा होगा. And जैसे कि मैंने मेरे last video में बताया था आप लोगों को कि मेरे जितने भी cover songs हैं, जितने भी singing videos हैं, I have actually split my channel. मैंने एक दूसरा channel बनाया है जो है जिसका नाम है Madly Musical. सो लिंक यहाँ पर होगा. तो मेरे सारे सिंगिंग ब्लॉग्स को देखने के लिए, पुराने से लेके नए तक, वो देखने के लिए आप मेरे उस वाले चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. और इस चैनल में अब आप लोगों को बहुत सारे ट्रैवलिंग वीडियोस दिखने वाले हैं, बहुत सारे मेरे घूमने जाने के वीडियोज़ मैं इसमें पोस्ट करने वाली हूँ. सो टुडे इज़ दैट डे जब मैं एक्चुअली घूमने जा रही हूँ कहीं पर. एंड लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैट. बेसिकली आई एम, एज आई सेड, आई एम इन कोलकाता राइट नाउ. और मैं यहाँ पर एक काम से आई थी, बस कुछ ही दिन के, दो तीन दिन के. सो वी आई एक्चुअली थॉट ऑफ आई मीन विजिटिंग टू सम प्लेस, कहीं पर जाके मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिता सकूँ. बट अगर सिचुएशन ऐसा हो कि यू हैव वेरी लेस टाइम इन योर हैंड, कि काफ़ी समय कम है, बजट ट्रिप के लिए जाना है कहीं पर, तो ऐसा क्या होगा, कौन सी जगह होगी? सो फॉर दैट रीज़न मैं आज एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस इज़ अ प्लेस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जहाँ पर एक रिजॉर्ट है बेसिकली, बट इट्स अ विलेज काइंड ऑफ रिजॉर्ट, जहाँ पर हम अपने मोनोटोनस लाइफ से, हम हमारे रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा एक ब्रेक लेके हम वहाँ पर जाके रह सकते हैं. वी हैव फार्मिंग एंड फिशिंग ओवर देयर. कुछ एक्टिविटीज़ है जो वहाँ जाके हमें पता चलेगा, खैर. बट येस, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर काफ़ी बजट ट्रिप के लिए आप जा सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ कैब, इफ़ यू वांट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो. शहर के बिल्कुल बराबर बाहर ही होता है, बट ये जगह काफ़ी, मतलब अपने आप में एक लाइक रिलैक्सिंग ऐसी जगह होती हैं. तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में अभी तक स्टडी किया है, दिस प्लेस इज़ लाइक दैट. बट नाउ लेट्स सी, मैं आप लोगों को अभी ये ट्रिप शुरू करने वाली, मतलब ये ट्रिप मैं अभी शुरू करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे यहाँ से जर्नी स्टार्ट करती हूँ, कैसे हम पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है, एंड हमारा बजट कैसे होता है. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसिस विथ यू. तो मेरे साथ हमेशा की तरह बने रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के साथ साथ मेरे म्यूज़िक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को मेरे ट्रैवलिंग वीडियोस के साथ साथ मेरे सिंगिंग वीडियो सब कुछ इक्वली शेयर करती रहूं. एंड येस, ऑफ कोर्स मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा. आई विल ट्राई टू शेयर ऑल माई इन्फॉर्मेशन विथ यू. अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि मैंने शेयर नहीं किया अभी तक इस वीडियो में, या फिर कुछ और है आपको जानना, तो फिर यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? सो स्टे विथ मी एंड आई स्टार्ट माई ट्रिप. सो अभी सुबह के 9 बज गए हैं, एंड आई जस्ट स्टार्ट माई ट्रिप राइट नाउ. सो लेट्स गो टुगेदर, विल एंजॉय. और फिर हम तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट किया और रवाना हो गए हमारे छोटे से वेकेशन डेस्टिनेशन की ओर. Pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. कैब हमने पहले से बुक कर रखा था, पापा सामने बैठ गए और माँ और मैं गप्पे मारने के लिए और फोटोज लेने के लिए पीछे पसार कर बैठ गए. नहीं तो रोड ट्रिप का मजा लेते हुए हम इतना बकबक करते कि ड्राइवर साहब भी परेशान हो ही जाते. हालांकि ग्राम बांग्ला रिजॉर्ट तक आप चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोकल ट्रेन या कोलकाता मेट्रो. इनका रूट मैप आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा. अब रही बात रोडवे की, तो मैं आपको पूरा रूट गाइड कर दूंगी वाया गूगल मैप. ग्राम बांग्ला रिट्रीट कोलकाता के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, और इस जगह का नाम है बीबी घाट, जो कि ठाकुर कुकुर जोगा के पास सिचुएटेड है. हमने हमारा जर्नी नॉर्थ कोलकाता से शुरू किया और गूगल मैप पर ग्राम बांग्ला रिट्रीट का लोकेशन डाल दिया. जब हमने स्टार्ट किया था
तो मैप पर डिस्टेंस तकरीबन 35 किलोमीटर और वक्त तकरीबन 1.5 घंटे तक बता रहा था। हमने बांगूर एवेन्यू होते हुए VIP रोड पकड़ा और वहां से सीधा माँ फ्लाईओवर पर चढ़ गए। यहां मैप में माँ फ्लाईओवर को आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड फ्लाईओवर के नाम से भी शो कर रहा था। यहां से ड्राइव करते हुए नज़ारे वाकई में बहुत खूबसूरत थे। अब हम अलीपुर होते हुए NH-12 की ओर बढ़े। डायमंड हार्बर रोड से ड्राइव करते हुए हम धीरे धीरे शौखेर बाजार की तरफ चलने लगे। बीच में पता है एक एरिया आया जिसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जादू कॉलोनी। क्या यहाँ पर जादू देखने को मिलता है? I don't know. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. कोलकाता में पिछले कुछ समय में काफी ब्यूटिफिकेशन हुआ है और काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। वेदर तो अच्छा था ही, इतने क्लियर वेदर में फोटोज और वीडियोस लेने का मजा ही कुछ और था। अब हम जोका के काफी करीब थे और जोका कैनल रोड वाला टर्न ले लिया, जो रास्ता ठाकुर पुकुर की तरफ ले जाता है। यहाँ से बीबी घाट मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर दिखा रहा था। ये है कोलकाता जोका मेट्रो, जो इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। मेट्रो लाइन चेंज ओवर करके कोई इस रूट से यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से बस या ऑटो आसानी से मिल सकता है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. अब हम बीबीघाट पहुँच गए, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। जो आखिरी वाला मेन रोड है, यहाँ पर शामली हॉस्पिटल से एक राइट टर्न दिखाता है, लेकिन हमें वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी गांव में एंटर कर चुके हैं और गांव का ये वाला रास्ता काफी कच्चा है। किसी भी गांव में एंटर होते ही एक अलग सा माहौल महसूस होने लगता है। यहाँ के घर, दुकानें, सड़क, पैदल चलते हुए लोग, आंगन में खेलते हुए बच्चे, सब कुछ बड़ा प्यारा लगने लगता है। जब हम अपनी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी से ऊब चुके होते हैं तो शायद इस छोटी सी बदलाव की भी सख्त जरूरत होती है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.
catch me if I fall. अब हमने फाइनल राइट टर्न ले लिया बीबीघाट चट्टो डाकघर रोड से और यहाँ से 5 मिनट्स का सीधा ड्राइव करते हुए एट लास्ट हमारा डेस्टिनेशन यानी कि ग्राम बांग्ला रिट्रीट रिजॉर्ट पर पहुँच गए। So this is Gram Bangla Retreat, the main entrance of Gram Bangla Retreat. We have reached here और इनका जो अपर्णा फ्रेश जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिकली इनका जो मेन बिजनेस है वो ये है, अपर्णा फ्रेश जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और दूसरा जो है इनका कोलैब फ्रेश जी एग्रो फूड सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली दे आर इनटू दिस वेजिटेबल फार्मिंग, और साथ में इन्होंने अभी फ़िलहाल शुरू किया हुआ है जो है ग्राम बांग्ला रिट्रीट। तो अभी ये फार्म हाउस स्टे के लिए इन्होंने अभी शुरू किया हुआ है। सो नाउ वी विल एंटर होगा हियर। ये सफ़र हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब पहुँचने के बाद चेक इन फॉर्मेलिटीज़ की बारी है, तो यहाँ अलविदा कहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एपिसोड 2 में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। बाय।